कि आप जानते हो जिस तरह सीना चौड़ा करने वाले वर्कआउट देसी वर्कआउट जिम में डंबल ये सब होते हैं, वैसे ही सीना चौड़ा करने वाला योग भी होता है, जो कि आपकी छाती को बिल्कुल टाइट कर देती है और आपकी छाती को फैला देती है। और साथ में कुछ ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जो कि आपकी चेस्ट को ग्रो करने में हेल्प करेगी, आपकी मसल्स को उभार कर बाहर निकालेगी। तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीने को चौड़ा करने वाले जो भी योग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो चाहे आप एक दिन छोड़कर कर सकते हो या फिर आप उस दिन कर सकते हो जिस दिन आप चेस्ट का वर्कआउट करते हो। वर्कआउट से पहले या बाद में आप ये योग कर लो, आपकी चेस्ट कुछ ही दिनों में या फिर महीने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। पहला योग, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका ये है, आपको आलती पालती मारकर बैठ जाना है, उसके बाद आपको सांस भरना है, फिर छोड़ना है, फिर जोर से सांस भरना है, फिर धीरे धीरे नाक से छोड़ना है। एक चीज़ ध्यान रखना, नाक से ही आपको सांस लेना है, नाक से ही आपको सांस छोड़नी है। ऐसा करके आपकी छाती को आदत पड़ जाएगी अधिक सांस भरने की, और फिर जब भी आप सीने का वर्कआउट करोगे यानी अपने चेस्ट का वर्कआउट करोगे, मतलब चेस्ट का वर्कआउट करते टाइम ऐसे करके सांस अंदर बाहर जब आप करोगे तो आपका सीना फैल जाएगा, मतलब कि चौड़ा होता चला जाएगा। क्योंकि देखो, जब हम लंबे सांस लेते हैं वर्कआउट करते टाइम, नाक से लंबे गहरे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हमारी चेस्ट, हमारा सीना अपना साइज बढ़ा लेता है और ज़्यादा सांस को इकट्ठा करने के लिए। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम जरूरी है। इसके आप 3 सेट लगा सकते हो अपनी क्षमता के अनुसार। उसके बाद आपको करना है उष्ट्रासन, आपको सांस भरना है और फिर अपने दोनों हाथों से पीछे की ओर जाते हुए ऐसे करके अपने पैरों को पकड़ना है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आप सर्च कर सकते हो। इसके आपको 3 सेट लगाने हैं। साधारण दंड, आपको साधारण दंड लगाने हैं जितने आपके अंदर हिम्मत है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने साधारण दंड की संख्या बढ़ानी है, मतलब जब भी आप लगाओगे तो आपको इतनी कोशिश करनी है कि आपको पहले से ज़्यादा लगाने हैं, ठीक है। अपना स्टैमिना बनाना है। जिस दिन आप 50-50 करके या फिर 20-20 करके भी 200 से 300 साधारण दंड लगाने लग जाओगे एक बार में, तभी आप देख लेना कि आपकी छाती का साइज बढ़ जाएगा। और 200-300 आप लगा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए वीरा रक्षा भी जरूरी है। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी सेक्सुअल एनर्जी आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपके अंदर ताकत बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे दंडों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी छाती बढ़ती चली जाएगी। तो ये होता है दंड से छाती बड़ी करने का विज्ञान, जो कि बहुत कीमती है, इसको लपेट लो। तीसरा, मैं कोई आपको योग नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा छाती को ग्रो करने की। अगर आप होम वर्कआउट करते हो, घर पर वर्कआउट करते हो, मतलब कोई भी चेस्ट का वर्कआउट करते हो, तो आपके लिए है ये ट्रिक। जो भी आप एक्सरसाइज लगाते हो चेस्ट की, पुशअप की या फिर कोई भी दंड चेस्ट के लिए, तो आपको ईंटों का प्रयोग करना है, मतलब कुछ भी डंबल हो गई, ईंट हो गई, इसका प्रयोग करना है। और फिर ईंटों के साथ आपको पुशअप दंड लगाने हैं, पूरा ऊपर जाना है धीरे से और पूरा नीचे आना है। इसमें आपको कोई कॉम्पिटिशन नहीं करना कि आपको 50 लगाने, 100 लगाने हैं, मतलब कि अगर आप 10 भी लगाते हो तो बिल्कुल धीरे से पूरा ऊपर जाना है, पूरा नीचे जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेट लगा दो, लेकिन कम लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल स्क्वीज करना है अपनी मसल्स को, पूरा नीचे पूरा ऊपर, तो आप देखोगे कि आपकी जो चेस्ट है वो बिल्कुल पंप हो जाएगी, और यही चीज़ अच्छी होती है, इसी से असली ग्रोथ बढ़ती है। मैं भी ऐसे ही लगाता था पहले, 50 पुशअप 80 पुशअप एक बार में लगा देता था, लेकिन जैसे ही मैंने इसका, मतलब डंबल के साथ, ईंटों के साथ जब मैंने पुशअप दंड जो भी मैं लगाता था, मान लो अलग अलग दंड, अलग अलग पुशअप ईंटों के साथ, डंबल के साथ, तब जाकर मुझे एकदम से रिजल्ट मिलने लगा, मतलब कि 15 दिनों से 1 महीने के अंदर मुझे अच्छा रिजल्ट मिल गया था, ठीक है। तो ये ट्रिक बहुत काम की है, इसको जरूर करो, फिर जाके आपकी चेस्ट की जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से होगी। तो जो मैंने आपको ये 3 योगा और 1 ट्रिक बताई है, इसको अगर आप अनुशासन के साथ फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा अपनी चेस्ट में, आपका सीना बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बिल्कुल परफेक्ट और चौड़ा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं बात कर देता हूँ एक ऐसी जड़ी बूटियों की जो कि मसल्स गेन करने में बहुत हेल्प करती है। जैसे कि आप ये पाउडर देख रहे हो, ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियों से बना है जो कि आपकी मसल्स गेन करने में बहुत हेल्प करेगा। इसके अंदर है अश्वगंधा, शतावर, विदारी कांड, कासनी, ब्रह्मी, मुलट्ठी, आंवला, मतलब इतनी सारी जड़ी बूटियाँ मिली हुई है। ये सब आपकी मसल्स गेन करने में बहुत हेल्प करेगी, आपका वजन बढ़ाएगी, ठीक है। तो जब आपका मसल्स गेन होगा, वजन बढ़ेगा, ठीक है, तो भाई मतलब आपकी चेस्ट भी ग्रोथ होगी, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट इसका है भाई, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी की मसल्स गेन करेगा। आयुर्वेदिक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल है, बिल्कुल सस्ता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर ऑर्डर करा लो। रात को सिर्फ 2 चम्मच दूध के साथ लेने होते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, मौसम के साथ कोई गड़बड़ नहीं करेगा, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल, ठीक है। अगले वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।